स्वागत है आपका फन टीवी के सबसे बड़े शो जीरो अंडा घोड़ी में। मैं हूँ संग विजय और इस बार जिस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ आई है। अरे तीन चार लोग ही आए हैं। चलो इन्हें पूछते हैं क्या करने वाले हैं ये लोग। तो आइए चलते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट के पास। इनका नाम है मनोरंजन प्रसाद। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर अंदर जाकर? इस बार रोडीज में मैं भगवान रजित की फाड़ने वाला हूँ। आप ये क्या सुन रहे हैं सर? गाने सुन रहे हो और क्या? अरे इसमें तो आवाज नहीं आ रही। तो सर हेडफोन भी तो नहीं है। अब पूछते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट से। आइए तो क्या आप रेडी हो दोनों को फेस करने के लिए? यस आई एम रेडी। ऑल द बेस्ट। क्या नाम है तेरा? माय नेम इज मनोरंजन प्रसाद। घोड़ी देखा है इससे पहले? हाँ देखा है। चल बता क्या होता है? लड़के के साथ बाइक में पीछे बैठना होता है। मैं कार से बात कर रहा हूँ। हाँ एक देखा है जिसमें मीट मुर्गे खिलाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बात के बारे में? सर 50,000 गोलगप्पे खाए हैं मैंने इस बार। गोलगप्पे गोलगप्पे क्यों? दही भले नहीं खाए तूने? मजाक करने आया यहाँ पे। एक बात था तेरे हिसाब से स्कूल में, कैसे पूछ रहा हूँ, तेरे हिसाब से स्कूल में वेट मशीन होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। क्यों होनी चाहिए? ताकि पता चले कि बच्चों का लंच में कितना खाना खाया है। यहाँ तेरे फॉर्म पे लिखा हुआ है तूने बॉडी बिल्डिंग कर रखी है। तो वैसे बड़ा बॉडी बिल्डर लग रहा है। चल डिस्क मार के दिखा। हाँ कैसे कह रहा हूँ, डिस्क मार के दिखा। क्या लगता है जजेस इंप्रेस हुए? मैं फाइनल किया था बट फट के आ गया। तुझे घड़ी क्यों देखी थी? ताकि पता चल सके सर सुबह है शाम है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो बोलना है सर। तेरा फोन देखने में तो लगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। कुछ बता अपने बारे में। दिस इज नॉलेज सर। हिंदी में बोल। सर हिंदी में मेरा नाम ज्ञान है और मुझे गाने गाने का बहुत शौक है। चलो एक गाना सुना दे। तूने पहले भी गाना गाया था पिछले घोड़ी में, पता तुझे? जय जय शिव शंकर कांटा लगे बोलते क्यों होते हैं आप?
तेरे फॉर्म में लिखा है तूने बहुत झंडे गाए अपनी लाइफ में, चल हमें भी कुछ बता क्या झंडे गाने। सर जी हमने 15 अगस्त वाले थे ना, अपने स्कूल में झंडे गाए आपने ऐसी कैसी करवाने आए हैं, क्या करवाने आए हैं? मैं स्कूल की झंडे की बात नहीं कर रहा, मैं एडवेंचर की बात कर रहा हूँ, कैसे समझा तू? अरे अजय रहता हूँ एडवेंचर की बात। हाँ भैया एडवेंचर की बात कर रहा हूँ, एडवेंचर एडवेंचर। अच्छा जी तो आप एडवेंचर की बात करता है, वहां तो मैं पहले बहुत पहले गया था मुंबई में एडवेंचर आईलैंड। अब इंतजार खत्म हुआ, इतने सारे ऑडिशन के बाद जजेस ने सिर्फ दो ही लोगों को दिल्ली से घोड़ी में सिलेक्ट किया है, तो रिजल्ट मेरे हाथ में आइए देखते हैं कि वो दो लोग कौन है। अरे रिजल्ट आ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो रिजल्ट। जजेस ने तुम मेरे सिर्फ दो लोगों को सिलेक्ट किया, तो क्या लगता है कि तुमने जजेस को इम्प्रेस किया? वो सोने वाले मैंने तो पूरी की थी, लेकिन देखते जजेस इम्प्रेस हुए नहीं हुए। अरे आप क्या लगता है, क्या लगता है? अच्छा हमारा गाना पसंद आया, जजेस को आपका गाना और आपका कॉन्फिडेंस पसंद आया, यू बोथ आर बॉडीज। बॉडीज में सिलेक्ट नहीं हुआ, अब हमको चेन्नई जाके वापस एनिमेशन करना पड़ेगा। Will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you know what, flipping the you know who. Yeah, but he's so cute though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman. Clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is by the time they hit fourth grade. They got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up.